बीजेपी एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी का युवा मोर्चा भी बूथ स्तर पर लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शेखर यादव ने युवाओं के साथ मिलकर प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा का कहना है, बीजेपी युवा मोर्चा आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का स्लोगन भी लॉन्च किया। योगेंद्र शर्मा का कहना है कि बीजेपी की सरकार हर वर्ग के कल्याण में जुटी हुई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में आएगी और आम जनता का भला करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 कैंडिडेट की घोषणा करी है और पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बड़ा जोश और उत्साह है। और आज मेरा प्रवास के दौरान जर्जर जिले में आना हुआ, मेरे बड़े ही ताकतवर मेरे साथी जिला के जुगारू जिलाध्यक्ष शेखर यादव जी ने भव्य स्वागत किया। जब से जर्जर आया हूँ, युवाओं का हजूम और एक विश्वास दिलवाने का काम किया है कि अब की बार हरियाणा में पुनः 10 की 10 लोकसभा की सीट जीतकर आदरणीय मोदी जी का जो 400 पार का नारा उन्होंने दिया है उसको साकार करने का काम किएंगे। और युवा मोर्चा है तैयार अब की बार 400 पार, इस संकल्प के साथ युवा मोर्चा धरातल पे काम कर रहा है। युवा मोर्चा आने वाले इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा धरातल पर बूथ स्तर पर जाकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 सालों के लिए सभी वर्गों के लिए जो काम किए हैं,